चलो बाय बाय गांजा कंपनी, तुमको बहुत मिस करेंगे। ये वीडियो आज से 5 महीने पहले किया गाइस, जब मैं 11 मई को गांजा कंपनी को बाय बाय बोल के चार मीनार को एक्सप्लोर करने गया, क्योंकि 12 मई को मेरा टिकट था सिकंदराबाद टू गोरखपुर के लिए। और चार मीनार एक्सप्लोर करने के बाद से मैं वहाँ से निकल गया रेलवे स्टेशन के लिए, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के लिए। तो रेलवे स्टेशन पहुँचने से पहले गाइस हमने बीच में एक जगह स्टॉपेज लिया और यहाँ से हमने कुछ खाया पिया। अब यहाँ से चलेंगे हम रेलवे स्टेशन के लिए। तो फाइनली 1 से 1.5 घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे। देख सकते हो ये है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा। तो जब मैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे पहुंचा गाइस, तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था, मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। और इसलिए क्योंकि मैं अपने घर से और गाँव से फर्स्ट टाइम मैं हैदराबाद में जाके 4 महीने तक रुका था, और वो 4 महीने मैंने कैसे काटे वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। और वहाँ पे रह के मैं अपने ड्रीम से दूर होता जा रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पे वीडियो के पर्पज़ से नहीं गया था, कुछ रीजन्स हैं मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। और फिलहाल अभी देख सकते हो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर ये कपड़े का मार्केट लगता है, और यहाँ पे काफ़ी सस्ते दामों में कपड़े मिलते हैं। तो अगर आप सिकंदराबाद आना तो यहाँ से कपड़े ज़रूर से ख़रीदना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी, आइयो कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आज का जर्नी जो है सिकंदराबाद गोरखपुर तक होगा, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो फाइनली अभी मैं 4 नंबर गेट से अंदर आ गया हूँ, देख सकते हो आप लोग। और 4 नंबर गेट के सामने आपको दोनों साइड में टिकट काउंटर मिल जाएगा, जिससे कि आप प्लेटफार्म टिकट ले सकते हो। तो फाइनली गाइस अभी मैंने पीछे से प्लेटफार्म नंबर 1 पे आ गया हूँ, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो फाइनली देख सकते हो ये रहा प्लेटफार्म नंबर 1 सामने, और इधर वाला रहा प्लेटफार्म नंबर 2, आगे वाला प्लेटफार्म नंबर 3 देख सकते हो वहाँ पे बोर्ड पे, और उसके आगे प्लेटफार्म नंबर 4-5 है। फाइनली गाइस मैं अभी प्लेटफार्म नंबर 1 से प्लेटफार्म नंबर 2 पे आ गया हूँ, देख सकते हो पीछे प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 है। अभी मैं उधर से आया और रहा सामने प्लेटफार्म नंबर 1, और इधर देख सकते हो प्लेटफार्म नंबर 2 प्लेटफार्म नंबर 3, टोटल इस पे 8 प्लेटफार्म है। तो मैं अभी प्लेटफार्म नंबर 2 पे हूँ, क्योंकि इसी पे वो हमारी जो ट्रेन है सिकंदराबाद एक्सप्रेस इसी प्लेटफार्म नंबर 2 पर ही आएगी, तो इसीलिए मैं अभी यहीं पे वेट कर रहा हूँ उसका। 9:30 बजे ट्रेन है, काफ़ी पहले मैं आ चुका हूँ, सोचा कि आप सभी को कुछ दिखा पाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले आ गया हूँ। तो जब मैं बाहर से अंदर की तरफ पहुँचा गाइस, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंचा, तो वहाँ देखा बूढ़े बच्चे जवान और सबके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी घर जाने का। जैसे कि अभी मैं स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि जब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि 4 से 5 महीने मैंने कैसे हैदराबाद में स्पेंड किए वो मैं ही जानता हूँ। आपको एक चीज़ बता दूँ, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे टोटल 10 प्लेटफार्म है, अभी स्टार्टिंग में 8 बता दिया था। और स्टेशन पे लगा ये तिरंगा देख सकते हो, इसकी खूबसूरती और बढ़ा देता है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की। तो पूरे दिन हमें सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे स्टे करने के बाद से हमें 9:30 बजे हमारी ट्रेन मिली सिकंदराबाद एक्सप्रेस। नेक्स्ट मॉर्निंग तो 9:30 बजे जब हमारी ट्रेन मिली गई सिकंदराबाद एक्सप्रेस, तो मैं उस टाइम कुछ शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं पूरा थका हुआ था, क्योंकि मैंने अपना पूरा दिन स्टेशन पे स्पेंड किया था, इसलिए मैं कुछ वहाँ पे शूट नहीं कर पाया। तो अभी मेरे पास जो भी वीडियो क्लिप्स होंगे गाइस वो 14 तारीख के होंगे, क्योंकि मैं उसके पहले कुछ शूट नहीं कर पाया था। जब मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला था उस टाइम के वीडियो क्लिप्स हैं जो आप देख रहे हो, और
जब हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले थे उस टाइम लोगों के चेहरे पे एक अलग ही स्माइल था, देख सकते हो आप लोग। इसी ट्रेन से अभी मैं आया हूँ गोरखपुर एक्सप्रेस से। तो बस आज का छोटा सा वीडियो गाइस इतना ही था, जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब चलते हैं हम घर।